लेके आई है हवाएं ये इशारा, वो लेके आई है हवाएं ये इशारा। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और उसका बेसिकली क्या यूज होता है, शायद आपको इसके बारे में पता हो। चलिए अगर नहीं पता है तो मैं आपसे एक सिंपल भाषा में पूछता हूँ कि मेमोरी कार्ड क्या होता है और उसका बेसिकली क्या यूज होता है। अब आपको इसके बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता चला है तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेमोरी कार्ड क्या है और उसका बेसिकली क्या यूज होता है। दोस्तों, मेमोरी कार्ड कंप्यूटर का स्मार्टफोन का वह भाग होता है जिसके अंदर हम सभी लोग अपना डाटा व प्रोग्राम स्टोर करके रखते हैं। डाटा कहने के मतलब जैसे कि हम अपना फोटो हो गया, वीडियो हो गया, और कोई सॉन्ग हो गया, कोई किसी प्रकार की मूवी हो गई, तो जितना ये सारा डाटा होता है यही इसी को कहा जाता है डाटा। और ये सारे डाटा अगर हम अपने स्मार्टफोन के स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कार्ड में रखें तो यही होता है डाटा, और जिसमें हम लोग रखते हैं वो होता है हम सभी लोग का मेमोरी कार्ड यानी कि स्टोरेज डिवाइस। बात आती है कि आखिर में मेमोरी कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों शायद आप समझ गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेमोरी कार्ड के कितने प्रकार के भाग होते हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक कोई कलम ले लीजिए, और मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं आप वैसे वैसे इसको नोट करते हुए चले जाइएगा, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जरूर काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला हो गया मेरा मेमोरी। मेमोरी के दो प्रकार के भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, सबसे पहला रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब बात आते हैं रैम के ऊपर, रैम के ऊपर बात करते हैं। रैम के दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं रोम के ऊपर। रोम के दोस्तों तीन प्रकार होते हैं, पहला पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, दूसरा ईपी रोम यानी कि इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा हो गया ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। अब चलिए सीखते हैं कि आखिर में जो सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी है, इसके अंतर्गत कितनी कितनी छोटी छोटी जो मेमोरी कार्ड्स होती हैं वो हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी के छह भाग होते हैं, सबसे पहला हार्ड डिस्क, दूसरा सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, और तीसरा हो गया चिप, और हम लोग का चौथा जो प्रकार होता है वो है डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क, और पांचवा हो गया फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है आपको इसके बारे में पता ही होगा। और छठा हो गया पेन ड्राइव, जो हम सभी लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया छठा पेन ड्राइव। दोस्तों, इतने टाइप्स के होते हैं मेमोरी कार्ड। आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको इन सभी चीजों में से कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, मैं उसके ऊपर विस्तार में एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सर्कल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हफ्ते में दो तीन वीडियो नहीं, यहाँ पर आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। लेके आई है हवाएं ये इशारा, वो लेके आई है हवाएं ये इशारा, चलिए चलिए वतन मेरे यारा।